हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आगे आने वाली न्यूज के बारे में हम बताने वाले हैं। हरिणी के ससुराल वाले सभी से पैसे मांगते हैं उसे यहाँ रहने के लिए। तब सभी के पास 4,000 रुपये होते हैं, वह उन्हें दे देती है। अब सभी परेशान रहती है कि अब वह फीस जमा कहाँ से करवाएगी, उसके पास 1 भी रुपया नहीं रहता है। प्रतीक ईशान को डॉक्टर के पास लेके जाता है थेरेपी के लिए। डॉक्टर उसे इमेजिन करने के लिए बोलता है, तो वह रीवा को अपने सपने में देखता है और उसके साथ बात करता है। तब वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह वहाँ से डॉक्टर के रूम में से उठकर बाहर की तरफ आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और घर पे आ जाता है और बिना कहे चले जाता है ऊपर। तब बाकी सभी घर वाले ये देख के परेशान हो जाते हैं और सभी बैठी हुई रो रही है। वह बहुत परेशान है कि वह अब फीस कैसे जमा करवाएगी। हरिणी वहाँ आती है और सभी से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हरिणी उसे अपने सोने के चूड़ियाँ सभी को दे देती है और कहती है कि तुम इसे बेच कर पैसे ले लेना और अपनी फीस के लिए काम में लेना। और हरिणी वो सभी हरिणी को थैंक यू बोलती है और वह उसे गले मिल के रोती है। इधर इधर यशवंत राव रीवा के पापा के पास फ़ोन करते हैं और उसे उसे धमकी देते हैं, उससे लड़ते झगड़ते हैं। ईशान की हालत पर वो बहुत परेशान होकर उससे झगड़ते हैं। सुबह अगले दिन सभी उन कंगनों को लेकर सुनार के पास के दुकान पे जाती है। दुकान वाला सभी और हरिणी का नाम पूछता है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर ले लेता है। आगे की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।